यहाँ पे देख सकते हो, किसी के लिए भी बॉडी से आप आंगूठ की मेजरमेंट किस तरह से ले सकते हो। देखिए इंची टेप को इस तरह से लेना है, फिर नॉर्मली देखिए ये मेजरमेंट लेना है। यहाँ पे देखिए आपको ज्यादा लूज भी नहीं रखना है और ज्यादा टाइट भी नहीं रखना है। यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से होगा। तो आप जिसके लिए भी ब्लाउज या कमीज कुर्ती कुछ भी आपको तैयार करना है, इस तरह से आर्महोल की मेजरमेंट जरूर लेना है। फिर देखिए किसी किसी का क्वेश्चन है अपर चेस्ट कहाँ पे होता है। देखिए बिल्कुल यहाँ पे अपर चेस्ट होता है। देखिए यहाँ पे पूरा घुमा के जो मेजरमेंट होता है, यहाँ पे नॉर्मली ये मेजरमेंट लेना है, ये होता है अपर चेस्ट। और फुल बस्ट कहाँ पे देखिए, बिल्कुल यहाँ पे आपको फुल बस्ट की मेजरमेंट लेना है। आपको ध्यान में रखना है ये अपर चेस्ट है और यहाँ पे ये फुल बस्ट है। फिर देखिए आपको बस्ट पॉइंट कैसे निकालना है। शोल्डर से आपको इंच टेप को देखिए इस तरह से रखना है, बिल्कुल बराबर यहाँ पे रखना है। रखने के बाद देखिए यहाँ पे ये बस्ट पॉइंट है, उनकी देखिए जो बस्ट पॉइंट है 10.5 इंच है, इसके साथ आपको सिलाई मार्जिन 1/2 इंच एड करना है। तो इस तरह से आपको बस्ट पॉइंट निकाल लेना है, जिसके लिए आपको ब्लाउज या कुर्ती तैयार करना है। बस्ट पॉइंट इस तरह से निकाल लेना है और ब्लाउज की लंबाई आपको हमेशा फ्रंट साइड से लेना है, बैक साइड पे कभी नहीं लेना है। बैक साइड पे लेने से लंबाई आपका हमेशा कम होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आर्महोल की मेजरमेंट और पूरा बॉडी मेजरमेंट लेना है। अभी देखिए अपर चेस्ट कहाँ पे यूज होता है। अपर चेस्ट हमेशा आपको बैक पार्ट के हिसाब से देना है। कोई भी ब्लाउज हो, प्रिंसेस कट ब्लाउज हो, नॉर्मल ब्लाउज हो, ब्राकर ब्लाउज हो, कोई भी ब्लाउज हो, आपको बैक साइड पे अपर चेस्ट की यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं शोल्डर रखूंगी पहले, इस तरह से समझाने से आपको थोड़ा इजी होगा। नॉर्मली कोई भी ब्लाउज हो आपको इस तरह से मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो मैंने मेजरमेंट लिया यहाँ पे, ये देखिए अपर चेस्ट के हिसाब से लिया है। तो बैक पार्ट हमेशा आपको ध्यान में रखना है, अपर चेस्ट के हिसाब से लेना है, कभी भी आपको फुल बस्ट के हिसाब से नहीं लेना है। तो ये हो गया अपर चेस्ट। तो अभी देखिए फुल बस्ट का यूज कहाँ पे होता है। ब्राकेट ब्लाउज पे फुल बस्ट की यूज आपको सिर्फ कटोरी पे करना है। कटोरी पे अगर आपकी फुल बस्ट थोड़ा हेवी है उस टाइम पे कटोरी का साइज थोड़ा ज्यादा कर लेना है। अगर फुल बस्ट थोड़ा नॉर्मल है उस टाइम पे कटोरी का साइज थोड़ा छोटा कर लेना है, स्मॉल साइज कर लेना है। इस तरह से आपको लेना है। तो ब्राकेट ब्लाउज पे सिर्फ ये आपका एक मेजरमेंट होता है कटोरी पे, तो अदरवाइज फुल बस्ट की यूज कटोरी ब्लाउज पे नहीं होता है। और प्रिंसेस कट ब्लाउज पे देखिए कहाँ पे फुल बस्ट यूज होता है, बैक साइड पे इस तरह से करना है और फ्रंट पार्ट पे आपको कहाँ पे यूज करना है। तो अभी देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले बस्ट पॉइंट लेना है। बस्ट पॉइंट लेने के बाद मैं दिखाऊंगी एपेक्स पॉइंट कहाँ पे आता है, जो फुल बस्ट की मेजरमेंट वो कहाँ पे आता है। शोल्डर से हमें देखिए यहाँ से हमें फुल बस्ट की बिल्कुल मिडिल में से जहाँ पे महिला का सबसे ज्यादा उभर हुआ होता है वहीं पे आपको फुल बस्ट है, और फुल बस्ट की बिल्कुल मिडिल में से आपको बस्ट पॉइंट निकाल लेना है। सपोज यहाँ से आपके 9.5 इंच है, हो गया है, लेकिन जितना होता है उसके साथ आपको हाफ इंच हमेशा ज्यादा लेना है। क्यों लेना है, शोल्डर पे सिलाई होता है, सिलाई पे दापने के कारण आपका हाफ इंच छोटा होगा, जिसके कारण यहाँ पे हाफ इंच ज्यादा लेना है। तो यहाँ पे हो गया है। उसके बाद यहाँ पे एपेक्स पॉइंट जो नीचे की तरफ टास्क होगा, ये टास्क कैसे देना है, ये टास्क के लिए आपको फुल बस्ट यूज करना है। फुल बस्ट उस टाइम पे आपको यूज करना है। देखिए ये जो ब्लाउज है इसकी फुल बस्ट अगर 38 है तो जितना होता है उसको 10 से डिवाइड करना है। मैं हमेशा इस तरह से बोलती हूँ, 10 से डिवाइड करने से देखिए 3.8 इंच आता है। तो यहाँ पे अभी देना है 3 और 8, सीधा नीचे की तरफ लेके आना है। तो पिंचेस कट ब्लाउज हो या टैक्स ब्लाउज हो, नॉर्मली कोई भी ब्लाउज हो, टैक्स की जो मेजरमेंट है ये आपको हमेशा फुल बस्ट के हिसाब से लेना है और इस तरह से इसको 10 से डिवाइड कर लेना है। 10 से डिवाइड करने से जो मेजरमेंट आता है वही आपका यहाँ पे टैक्स पॉइंट होगा। तो इसीलिए आपको सिर्फ फुल बस्ट का यूज करना है। यहाँ पे आपको कभी भी अपर चेस्ट के हिसाब से नहीं देना है। अगर यहाँ पे अपर चेस्ट यूज होगा उस टाइम पे आपका जो टैक्स है बराबर नहीं होगा, ये छोटा होगा, फिटिंग भी अच्छा नहीं होगा। आप सही तरीके से अगर मेजरमेंट लेके ब्लाउज काटेंगे, स्टिचिंग करेंगे, उस टाइम पे आपकी ब्लाउज परफेक्ट होगा।
तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा फुल बस्ट और अपर चेस्ट और बस्ट पेन कहाँ पे यूज होता है। इसके बाद भी अगर आपको दिक्कत होता है आप हमें जरूर कमेंट में बोल सकते हो, मैं दोबारा से आपको समझाने की कोशिश कर सकती हूँ। तो वीडियो पसंद आने पे एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।